शी हल्क के एपिसोड 4 में हमने देखा कि एक मैजिशियन है जो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है। वोंग ये केस जेनिफर के पास लाता है और दोनों ये केस जीत भी जाते हैं। जेनिफर भी एक डेटिंग ऐप पे अपने शी हल्क का नाम डाल के बहुत सारे लड़कों के साथ डेट पे जाती है। जेनिफर को एक लड़का मिलता है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, पर जब उस लड़के को पता चलता है कि शी हल्क असलियत में जेनिफर है तो वो उसे छोड़ के चले जाता है। उसी वक्त जेनिफर को नोटिस मिलती है कि टाइटेनिया ने उस पे केस किया है, क्योंकि शी हल्क ये नाम पहले टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क कराया है। अभी यहाँ से एपिसोड 5 की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मीन ग्रीन एंड स्ट्रेट कोड इनटू दिस जीन्स। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एड दिखती है जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट की होती है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स टाइटेनिया के है और उसने ये प्रोडक्ट्स शी हल्क के नाम से लॉन्च किए हैं। ये सब देख के जेनिफर को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उसको अपने शी हल्क के नाम से प्यार होने लगा था। दूसरी तरफ पग निकी से मिलने आता है और कहता है कि उसे आयरन मैन 3 के शूज चाहिए और उसके लिए वो निकी से हेल्प मांगता है। निकी इसके एक्सचेंज में पग से और एक हेल्प मांगती है कि उसे जेनिफर के लिए सुपर हीरो सूट बनाना है। पग इसके लिए निकी को एक कैफे में लेके जाता है जहाँ वो दोनों सुपर हीरो सूट के डिजाइनर से मिलने आए थे। उन्हें वहाँ कैफे का एक एम्प्लॉय मिलता है जो दोनों को एक सीक्रेट रूम के अंदर लेके आता है। वह उस एम्प्लॉय का एवेंजर्स के टॉयज का कलेक्शन होता है और उसे खरीदने पे ही वो दोनों को डिजाइनर के पास लेके जाएगा। पग और निकी उसके टॉयज और मर्चेंडाइज को खरीद लेते हैं और डिजाइनर से अपॉइंटमेंट लेते हैं ताकि वो डिजाइनर जेनिफर के लिए सूट बना सके। वही दूसरी तरफ मिस्टर हॉलीवे जेनिफर से कहते हैं कि उसे टाइटेनिया का कुछ करना पड़ेगा, इसलिए जेनिफर मैलोरी बुक नाम की एक लॉयर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाती है। दूसरे दिन कोर्ट में टाइटेनिया का वकील कहता है कि पहले शी हल्क ये नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क कराया है, पर मैलोरी जो जेनिफर की लॉयर है वो भी एक वीडियो क्लिप दिखा के ये प्रूफ करती है कि जेनिफर पहले से ही शी हल्क ये नाम यूज करती आ रही है। मतलब ये नाम पहले उसने यूज किया और फिर टाइटेनिया ने उसे चोरी किया अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। इसके बाद निकी उसी डिजाइनर के पास जाती है जिसका नाम ल्यूक होता है। ल्यूक ऐसे ही सुपर हीरो के सूट डिजाइन करता है और इसलिए निकी उसे शी हल्क का सूट बनाने बोलती है। जेनिफर कहती है कि उसे एक ऐसा सूट चाहिए जो उसे और शी हल्क दोनों पे अच्छा लगेगा। दूसरे दिन फिर से कोर्ट में वही केस शुरू होता है और जेनिफर अपने डेट के सभी पार्टनर्स को कोर्ट में बुलाती है। उनके स्टेटमेंट से ये प्रूफ होता है कि जेनिफर अपने शी हल्क नाम से प्यार करती है और पहले से ही उसे यूज करते आ रही है। इसके वजह से जेनिफर ये केस जीत जाती है और वो अपने लॉयर मैलोरी के साथ ड्रिंक्स पे जाती है। इसके बाद जेनिफर अपना सूट लेने के लिए लूक डिजाइनर के पास जाती है और ड्रेसिंग रूम में जाके अपने सूट को पहनकर ट्राई कर रही होती है। तभी हमें दिखता है कि लूक के पास डेयरडेविल के सूट का हेलमेट है, जिसका मतलब ये है कि डेयरडेविल का सूट भी ल्यूक ही बना रहा है। और शायद से 6th एपिसोड में हमें डेयरडेविल यानी मैट मर्डॉक दिख सकता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखता है कि ल्यूक निकी को अपने शूज के कलेक्शन दिखा रहा है और उसके पास बहुत सारे शूज है जो मार्वल्स के हीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको डेयरडेविल और जेसिका जोन्स जैसी सीरीज को देखना है तो मेरे चैनल पे विजिट करके आप उन सीरीज की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।